हेलो फ्रेंड, आज बनाकर दिखाएंगे सुपर टेस्टी चटपटा भरवा करेला। ये रेसिपी मेरे एक खास फ्रेंड ने सिखाया है। वेस्ट बंगाल में ऐसे करेला कभी नहीं बनता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर करेला, प्याज, आम, हरी मिर्च ले लिया है। करेला को बीचों बीच कट कर थोड़ा सा नमक देकर बॉईल करने के लिए रख देंगे। दोनों साइड अच्छे से घुमा घुमा कर बॉईल करना है 5 से 6 मिनट तक। जब तक बॉईल होता है तब तक आम, प्याज और हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे। देखिए चॉप कर लिया है, फिर करेला भी हो गया है। करेला को पानी से निकाल देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। एक पैन लिया है, पैन में थोड़ा सा ऑयल दिया है, इसमें जीरा दे दिया है और चॉप किया हुआ आम, प्याज और हरी मिर्च को फ्राई करेंगे। अभी इसमें हल्दी पाउडर, नमक और मिर्ची पाउडर डालकर एक बढ़िया सा टेस्टी सा स्टफिंग बनाकर रेडी कर देंगे। बहुत अच्छा लगता है आम के साथ करेला, आप भी बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए करेला ठंडा हो गया है और इसके अंदर से जो बीज है वो निकाल लेंगे। अंदर से पूरा बीज निकाल लिया है सभी करेला का। ऐसे अंदर से बीज निकाल कर फिर देखिए जो स्टफिंग बनाकर रखी थी वो उस स्टफिंग ठुस ठुस के दोनों साइड से भर देंगे। सभी करेला को ऐसे ही बनाएंगे, इसके अंदर से स्टफिंग डालेंगे एकदम ठूस ठूस के। देखिए स्टफिंग डाल दिया और एक धागे से इसको बांध देंगे। बिना बंधे भी हुए ऐसे आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बांधेंगे तो अंदर से स्टफिंग थोड़ा सा भी बाहर नहीं आएगा। देखिए पूरा बांध दिया है। अभी पैन में ऑयल गरम करेंगे, ऑयल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर देंगे, बॉयल करने के टाइम में नमक दिया था इसलिए अभी नमक नहीं देंगे। देखिए करेला को अभी ऑयल में डाल दिया और लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे। घुमा घुमा कर चारों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही टेस्टी है। और ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए हो गया है। अभी ठंडा होने के बाद ये धागा जो बांध कर रखा था वो धागा को निकाल लेना है। आप बिना धागा का भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी चटपटा भरवा करेला का रेसिपी। अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना।